सभी नेतागण मिले और जो नाम उन्होंने बताया कि स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए, उद्धव ठाकरे साहब भी यहाँ है, तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो 12 जुलाई बोलते ना, हाँ ये तो टेंटेटिव है लेकिन 12 एक दो दिन में आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे, इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीजों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिट को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे, एक एक होकर एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं, तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे और उसके लिए मैं नीतीश जी का, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया आज, उनका धन्यवाद करता हूं और सारे और बहुत से हमारे नेता, मैं अभी जैसा बोला कि स्टालिन वहां से आते तमिलनाडु से, तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहब उन्हों कश्मीर से आते, तो सारा देश इसमें जुड़ा है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए हैं वो पूरे लोग आए हैं नेता वहां से।